सर पीडी ऑफिस को बिठा दें आप, ये पंचायत घर है और लोहाई में तो बिल्डिंग बनी हुई है सर, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। वर्कर को वैसे भी अपने गांव में रहना होता है मैडम, आंगनवाड़ी नहीं, ठीक है वो ठीक है आपकी, मैं अभी खाली वीडियो की बात कर रहा हूँ, वीडियो पंचायत घर में स्टार्ट कर लेंगे ठीक है। बाकी उसके बाद मैंने खुद ही बोला ना कि जगह होनी चाहिए और सबका देखना है, मैं तो मतलब सबकी रिक्वायरमेंट देखनी है, हम किसी को एक जगह लेके जाते हैं तो उस जगह आराम हो जाता है लेकिन बाकी जगह दिक्कत हो जाती है ना, वो भी देखना ठीक है। नहीं सर ये मसाज वो आपके दायरे में नहीं आती, लेकिन आप कम से कम लोगों के जज्बात को नजर को ख्याल ध्यान में रखते हुए कम से कम आप गवर्नमेंट को रिकमेंड करेंगे। सबसे पहले सर हमारा यहाँ कॉलेज का इशू है, जो हमारी यहाँ 4 हाई सेकेंडरीज पढ़ती हैं सर और 2 और भी एडजाइनिंग हैं जहाँ से उनके बच्चे भी आ सकते हैं। पिछले 2014-15 में 40 कॉलेजेस बने थे, अनफॉर्चुनेटली अब मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन हमारे इस एरिया को नज़रअंदाज किया गया और हमारे बच्चे क्योंकि आप देख ही लिया आपने हालत इतनी गरीब है कि नीचे जाके भी किराए पे रहना और फिर पढ़ना, उनका बेस ना इतना कमज़ोर होता है कि आगे जाके चल नहीं पाते और फिर आगे जा नहीं पाते, इसलिए यहाँ कॉलेज की डिमांड है सर। आपके संज्ञान में मैंने पहले भी लाया था और मैं आपसे फिर अनुरोध करता हूँ पूरी जनता की तरफ से कि सेंटर जहाँ कोई इस रोड साइड जहाँ सेंटर जगह अवेलेबल है और जहाँ सेंटर पड़ता है वहाँ एक कॉलेज के लिए आप सर रिकमेंड कर दें, करे आगे गवर्नमेंट ना करे, लेकिन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने शक्ति को भी टेकअप किया इशू 4-5 महीने पहले और अभी भी 2-4 दिन पहले हमने टेकअप किया है, और आप भी अगर रिकमेंड करें कि आपकी कलम में इतनी ताकत है कि वो गवर्नमेंट उसको जो आप रिकमेंड करेंगे गवर्नमेंट उसको इनकार नहीं कर सकती। दूसरा सर हमारा यहाँ वो आपको भी पता ही है एसडीएम का इशू है सर, बहुत पुराना और 82 का इशू है। अब मैं जो पुराने जो लोग रहे जो नुमाइंदे रहे या क्या कहूँ मैं उनको, या हमारे लोगों की नालायकी थी यहाँ के, वो हमारा ऑफिस जो यहाँ था बनौता में 82 में एडीओ था उसका 98 में वो एसडीएम बना दिए गए, बाकी जो हमारे इसमें जेएन के बने थे वो भी बना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका एरिया एक्सटेंड हुआ बिलावर में और फिर 2004 में और 2017 में उसको एडीसी साहब अपग्रेड करके एडीसी बना दिया। आई एम फॉलोइंग द दैट वेरी केस इन द सेक्टेट एंड द रिपोर्ट इज लाइंग विद यू सर। मैं लोगों की तरफ से गुजारिश करूंगा सर, हमारा हक है वो छीना गया है और हम उसे अगर आप दे सकता है कोई तो डीसी साहब रिकमेंड करेंगे तो वोट हमें मिल सकता है। मैंने हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं काबरा साहब से उनसे भी भगवान की दया से सबसे अच्छे तालुकात हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ से भी वो रिकमेंड हो जाए, और एडीसी साहब ने तो रिकमेंडेशन दी है लेकिन लिमिटेड दायरे में दी है उन्होंने, वो पता ही सर आपको आ जाएगी आपके पास नोट पुटअप हो जाएगा, तो इसलिए सर आप मुझे गुजारिश है कि अगर आप हक दिलवा सकते हैं तो आप बराए मेहरबानी करके वो लिख दीजिए कि इनका राइट है और इनको वो मिलना चाहिए। इसके साथ साथ सर जो स्कूलों का मसला सर जहाँ तक है, ये पूरे एरिया के स्कूल है, यहाँ एक स्कूल